गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, सीए पर तमाम बातें उन्होंने रखी। चुनाव के बाद विपक्ष सहयोग करेगा सीए को लेकर, अमित शाह को आपने सुना। अभी चुनाव की वजह से विरोध हो रहा है, लेकिन एक बार चुनाव हो गया तो जो विपक्षी पार्टियां जो इसका विरोध कर रही हैं वो भी साथ आएंगी। इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन सत्ता में कभी नहीं आएगी और सीए कानून कभी वापस नहीं होगा, ये भी साफ अमित शाह की तरफ से किया गया है। सीएए पर तमाम बातें गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से बोली गई। सीएए इस देश का कानून है जिसे कभी वापस नहीं लिया जाएगा। शरणार्थियों को इससे न्याय मिलेगा, लोगों को नागरिकता मिलेगी। बीजेपी के लिए ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। टाइमिंग की बात करता हूं जी। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभिव्यक्त कर दी है। चुनने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को मान्यता मिल गई है। रूल्स फॉर्मालिटी है। अब टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है। अब विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनंती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है और ये चार साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।